सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे PHP के ऊपर कि कैसे आप अपना PHP कोड रन कर सकते हो लोकल होस्ट पर। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स मूव टू द स्क्रीन कि हम देखते हैं कैसे आपको करना है। तो अब यहाँ से चलते हैं फाइल पर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक सबलाइम पर एक फाइल बनाते हैं। तो मैं यहाँ से सबलाइम ओपन कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट एडिटर है जो मैं यूज़ करता हूँ, आप नोट पैड या जो भी आप यूज़ करते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सबलाइम ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ index.php करके, जो मुझे रन करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसको index.php के नाम से पहले सेव कर देता हूँ। आप किसी भी अपने एक फोल्डर के अंदर जाके उसको सेव कर दो, या आपने जो फाइल बना रखी है उसको ओपन कर लो। और उसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं कि कैसे आपको रन करना है। तो मैंने एक फ़ाइल नहीं बना रखी है पहले कोई, तो मैं अभी एक फ़ाइल आपके सामने बना रहा हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कोड लिख लेता हूँ, सिंपल टेक्स्ट एडिटर कोड जो हम लिखते हैं बेसिक HTML। तो मैंने डॉक टाइप HTML और बॉडी के अंदर मैं लग देता हूँ, बॉडी पार्ट के अंदर एक H1 हेडिंग लेता हूँ और यहाँ पे दूंगा मैं हेलो वर्ल्ड। और हम क्या करते हैं, एक PHP कोड भी इंक्लूड कर देते हैं इसमें, PHP टैग को। तो मैंने यहाँ पर लिया PHP और उसको क्लोज किया मैंने PHP को, और इसके अंदर देता हूँ मैं एक मैसेज इको, प्रिंट कर देता हूँ मैं एक हेलो वर्ल्ड। तो हम इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। मैसेज प्रिंट करवाने के बाद आपको इसको सेव करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। और मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, पहले मैंने ओपन ही करा, मैं इसको स्टॉप कर बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ एग्जाम को। अगर आपने एग्जाम खोला हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ओपन करना है। जैसे मेरा ये एग्जाम है, आपको यहाँ से सिंपली दो बार क्लिक करना है स्टार्ट पे, दोनों पे आप आ चो MySQL दोनों को ओपन करना है। और उसके बाद एडमिन पे क्लिक करते ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा लोकल होस्ट पर। और आपको यहाँ पे जाना है लोकल होस्ट स्लैश और अपनी फाइल का और फोल्डर का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइल और फोल्डर का नाम दे देता हूँ, लोकल होस्ट index.php। ये ले नहीं रहा, एक बार मैं दोबारा डालता हूँ index.php। तो ये मुझे यही पेज ले आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं चेक करता हूँ मेरे सर्वर्स चल रहे हैं ठीक है, और मैं अपनी फाइल और फोल्डर को ओपन करता हूँ और वहाँ से डायरेक्ट इसको यहाँ पे लोड करवाता हूँ, जिससे क्या हो वो चल सके। तो मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये इसके अंदर मेरी फाइल है index.php के नाम से। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, जैसे मैं गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ। तो ये मुझे कोड दे रहा है। तो मेरे को क्या करना है, अब मुझे इस फाइल को कॉपी करना है। अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे ओपन भी करूँगा तो भी ये फाइल नहीं चलेगी, ये मुझे एरर देगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मुझे इस फाइल को क्या करना है, यहाँ से मैं इसको देखो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, और मैं फोल्डर से पहले लोकल उसको भी टाइप करता हूँ तो भी ये मुझे एरर देगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मुझे दिखा रही है पेज नॉट फाउंड, द URL वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। तो ये फाइल उसको मिल ही नहीं रही है क्योंकि वो लोकल होस्ट के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो ये एरर देगी। तो हमें क्या करना है, इस फाइल को या आपका कोई भी फोल्डर, आप कहीं भी आप रन कर रहे हो अपने कोड्स को, तो आपको उसको कॉपी करना है या वहाँ से मूव करना है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या मूव कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। मैंने इसको कट किया और मैं अपनी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में, और जाना है मैं एग्जाम फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको जाना है HT डॉक्स में, और HT डॉक्स के अंदर आप यहाँ पे एक फोल्डर बना लो या आपको सिंपल डायरेक्ट पेस्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ PHP के नाम से, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ कोड को। जैसे मैंने यहाँ पे PHP कोड्स के नाम से फोल्डर बनाया और इसके अंदर एक फाइल डाल दी, और अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा लोकल होस्ट स्लैश PHP कोड्स स्लैश। फोल्डर का नाम भी रीनेम करता हूँ क्योंकि उस स्पेस की वजह से इशू ना करे, तो मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ PHP कोड्स। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसके मैं यहाँ पे डालता हूँ स्लैश। इसको भी अगर मैं रन करूँगा तो भी ये मेरे को दे देगा, इंडेक्स फाइल को ओपन कर लेगा। अगर नहीं भी कर रहा है तो आप स्लैश index.php फाइल को क्लिक करेंगे तो भी आपको उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे कि मेरे दोनों मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, एक हेलो वर्ल्ड जो मैंने PHP से लिखा है और एक HTML टैग से लिखा है H1 यूज़ करके हेलो वर्ल्ड।
तो दोनों मैसेज आपको मिल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।